प्रेज द लॉर्ड पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर। इस सुंदर से सुबह के लिए हम आपके चरणों में आते हैं, आपको आदर और महिमा सम्मान करते हैं। यीशु नासरी के नाम से, कि खुदा आपने हमें जीवन दिया है, आपने हमें आशीष दी है, इसलिए बड़े हिम्मत के साथ, बड़े हिवाव के साथ ही सुंदर से सुबह के लिए आज परमेश्वर आपकी जिंदगी में आपको ब्लेसिंग करने चाह रहा, आपको आशीष देने चाह रहा, आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को वो परमेश्वर पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसलिए बड़े हिम्मत के साथ, बड़े हिवाव के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ आज हमें प्रार्थना करना है, क्योंकि परमेश्वर ने जो हमें जीवन दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से हम धन्यवाद करते हैं कि खुदा आपने हमें जीवन दिया है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, शरीर का दिया आंख है। यदि आज परमेश्वर का वचन कहता है कि शरीर का दिया आंख है, इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर उज्याला होगा। यदि आज हम अपने मन की इच्छाओं को लेकर के आज परमेश्वर के सामने रखते हैं तो परमेश्वर हमें ब्लेसिंग करता है, परमेश्वर हमें आशीष देता है, परमेश्वर हमारे जीवन की हर एक घटे और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, यहाँ पे लिखा हुआ जैसे हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 और वचन नंबर यहाँ पे 22 में लिखा है, शरीर का दिया आंख है। आज मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग भरोसा रखना, विश्वास रखना, क्योंकि खुदा आपके जीवन में आपको ब्लेसिंग करने जा रहा, आपको आशीष देने जा रहा, आपके जीवन की हर एक घटे और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए कहा है, परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरा शरीर भी अंधियारा होगा। यदि आज हमारी सोचने और समझने में फर्क होता है, आज हम किसी चीज को लेकर के चिंतित हैं, किसी चीज को लेकर के परेशान हैं, या किसी चीज को लेकर के हताशा और निराशा का सामना कर रहे हैं, तो खुदा का वचन कहता है, इस कारण वह उजियाला जो तुझ में है, यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा हो, कैसा बड़ा होगा। परमेश्वर का वचन ये कहता है, तो आज हमें बड़े हिम्मत के साथ और बड़े हिवाव के साथ हमें परमेश्वर के वचन को ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है और परमेश्वर ने हमें आशीष दी है। यदि उसके वचन को आज हम लेकर के प्रार्थना करते, विनती करते हैं, तो खुदा हमें आशीष देता है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है। यदि आज आप मांगेंगे परमेश्वर से, परमेश्वर मुझे आशीष दे, मुझे ज्ञान दे, मुझे बुद्धि दे, मुझे समझ दे, ताकि मैं आपके वचन को फॉलो कर सकूं और मैं चल सकूं और मैं प्रार्थना कर सकूं कि खुदा आपके जीवन में आपको ब्लेसिंग करने जा रहा, आपको आशीष देने जा रहा, आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा, क्योंकि उसने आपको जीवन दिया है, उसने आपको श्वासें दी है, उसने आपको संभाल के रखा है। इसीलिए सुंदर से सुबह के लिए परमेश्वर का वचन कहता है, आज आपको मांगने की आवश्यकता है, आज आपको ढूंढने की आवश्यकता है, क्योंकि खुदा ने कहा है, वचन के माध्यम से लिखा है, यदि तुम मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो कोई ढूंढता है वह पाता है। ये परमेश्वर का वचन कहता है, और जो खटखटाता है उसे उसके लिए खोला जाएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन यही कहता है, तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है, यदि उसका पुत्र उसे रोटी मांगे तो वह उसे पत्थर, या मछली मांगे तो उसे सांप दे। ऐसा कभी नहीं हो सकता है। जब तुम अपने बच्चों को इतना प्रेम कर सकते हो, अपने बेटे और बेटियों से प्रेम कर सकते हो, तो वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो है, सृष्टि का कर्ता, उद्धार करता, जीवन देने वाला पिता जो सर्वशक्तिमान है, जिसने हमें आज परमेश्वर ने बचा करके रखा है, उस खुदा ने हमसे कितना प्रेम किया होगा। उसके वचन को लेकर के आज हमें चिंतित होना है, आज हमें परेशान नहीं होना है, आज हमें केवल इस बात को लेकर के चिंतित होना है कि परमेश्वर के वचन को हमें पढ़ना है। और परमेश्वर ने कहा है ये भी कि संकरा और चौड़ा मार्ग हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है। आज हम आसान रास्ता को चुनते हैं, लेकिन जब वो गलत रास्ता थोड़ा सा मिल जाता है, तो जब परेशानियां थोड़ी हमारे जीवन में आने लगती हैं, तो क्या होता है, हम उस रास्ते को हमेशा के लिए छोड़ देते हैं। नहीं, यदि आज परमेश्वर का वचन कहता है, सके फाटक से
प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा वह फाटक है जो सरल मार्ग है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, यदि आपके जीवन में बुराइयां आती हैं, दिक्कतें आती हैं, चिंताएं आती हैं, मुसीबतें आती हैं, बीमारियां आती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उसको लेकर के आपको हताशा और निराशा का सामना नहीं करना है। परमेश्वर ने कहा तुम सकेत फाटक को क्रॉस करो, उसको क्रॉस करो। हर एक व्यक्ति तो सरल रास्ते चलना चाहता है, लेकिन उस खुदा ने हमें वचन दिया है और परमेश्वर का वचन कहता है उसके मार्ग में चलो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है वह फाटक सरल है और वह मार्ग, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, लिखा है, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से ऐसे जो हैं उससे प्रवेश करते हैं, क्योंकि वे सकेत फाटक और कठिन है, क्योंकि उनके लिए सकेत फाटक कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और वो थोड़े लोग ही पाते हैं। आज वे उनमें से आप लोग हैं, आप लोग हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तुम विश्वास करते हो, भरोसा रखते हो मुझ पर, तो मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा, बुद्धि दूंगा, समझ दूंगा, आशीष दूंगा, आपको हर पल हर समय हर घड़ी परमेश्वर आपको बरकत देगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से हम धन्यवाद करते हैं कि खुदा आपने हमें जीवन दिया है, आपने हमें आशीष दी है। इसीलिए बड़े हिम्मत के साथ, बड़े हिवाओं के साथ आज इस प्रार्थना को ग्रहण करना होगा, क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी में ढेरों बरकत और आशीष देने जा रहा है, और परमेश्वर आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए आइए चलते हैं, सभी लोग मिलकर के प्रार्थना करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है, हमें आशीष दी है, हमें बुद्धि और समझ दिया है। आपके जीवन के हर एक काम सफल होंगे, क्योंकि परमेश्वर ने आपको संभाला है। चलिए आइए बड़े हिम्मत के साथ, बड़े हिवाओं के साथ प्रार्थना। यदि आज आप बीमार हैं तो अपने बीमार अंगों पर हाथ रखें, यदि आज आप बीमार नहीं हैं तो अपनी छाती पर हाथ रखें, और इस प्रार्थना को विश्वास के द्वारा बड़े हृदय में अपने अपने अंदर, जितनी भी आपके अंदर बुराइयां हैं, किसी भी प्रकार की आपके अंदर निराशा है, आपके अंदर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम, उसे दूर करें, क्योंकि परमेश्वर आज आपको ढेरों बरकत और आशीष देने जा रहा है, यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से। आज हम खुदावन आपके चरणों में आकर के सुंदर से समय के लिए प्रार्थना करते हैं कि पिता, आज आपने हमें जो समय दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपने हमारे प्राणों की रक्षा की, आपने मेरे घर परिवार को, आपने सभी को सुरक्षित रखा, आपने मेरे बिजनेस में मदद की, मेरे जॉब में मदद की, मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे माता पिता, भाई बहन, जो भी मेरे सदस्य हैं पिता, आप उनकी देखभाल करते, इसीलिए हम आपके चरणों में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। यदि आज आपके घर में कोई भी व्यक्ति बीमार है, कोई भी सदस्य बीमार है, तो बड़े हिवाओं के साथ, बड़े हिम्मत के साथ इस प्रार्थना को आपको ग्रहण करना होगा। यदि आज आप विश्वास रखते हैं तो अपनी छाती पर हाथ रख कर के एक हाथ उठाइए और परमेश्वर को धन्यवाद कीजिए इसी वक्त के, कि आपके घर की हर प्रकार की प्रॉब्लम, हर प्रकार के अंधकार की शक्ति, हर प्रकार के जो नकारात्मक विचार हैं आपके घर में, आपके परिवार में, आपके माता पिता, भाई बहन, जो भी आपके घर में सदस्य हैं, हर एक प्रकार के अंधकार की शक्ति उनके जीवन से जाएगी। हर प्रकार की चिंताएं, हर प्रकार की मुसीबत आपके घर से, आपके जो भी किसी भी कारणवश अगर काला जादू, किसी प्रकार का टोना टोटका आपके घर में, आपके परिवार में यदि है, तो इस प्रार्थना को आपको अंत तक करना है और बड़े हिम्मत के साथ, बड़े हिवाओं के साथ इस प्रार्थना को ग्रहण करना है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय, सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय, अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को ऊपर रखें जो इस समय इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं, उनके जीवन में हर एक घटी और कमी को आप पूरा करने वाले खुदा हैं, यीशु नासरी के नाम से। जितने भी मसीह भाई बहन कमेंट के माध्यम से बता हैं, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बेटे और बेटियों के लिए, अपने घर के लिए, अपने हेल्थ के लिए, अपने प्रॉब्लम्स के लिए, जो भी यीशु नासरी के नाम से लिखते हैं, उनके घर में उनको बरकत और आशीष दे, उनके जीवन की हर एक घटी और कमी को आप पूरा करने वाले यहोवा परमेश्वर हैं, सर्वशक्तिमान, सबसे प्रेम करता है, विश्वास रखना, भरोसा रखना, क्योंकि आज आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को, हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन में परमेश्वर हाथ रखने जा रहा है। इसीलिए विश्वास रखिए, भरोसा रखिए, आज आपकी जिंदगी की हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है, शक्तिमान परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं, मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर, इस सुंदर से समय के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। हम आपके चरणों में आते हैं, जितने भी मसीह भाई बहन इस प्रार्थना को विश्वास के द्वारा ग्रहण कर रहे हैं, उनके अंदर हिम्मत है, विश्वास है, वह हिवाव रखते हैं और पेशेंस रखते हैं, भरोसा रखते हैं पिता, आज उनके घरों में, आज उनके बिजनेस में, आज उनके जॉब में, उनके हर एक घटी और कमी में उनको बरकत और आशीष देने जा रहे हैं।
हर एक प्रकार की समस्या सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को चला दीजिए यीशु मसीह के नाम से। हर एक मसीह भाई बहन जो इसमें परेशान है, जो चिंतित हैं, डिप्रेशन में हैं, दुख में हैं, मुसीबत में हैं, उनके जीवन की हर एक प्रकार की प्रॉब्लम जाए यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि आपके वचन में लिखा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आज हम खुदावंद आपसे मांगते हैं कि हर एक मसीह भाई बहन के जीवन की घटी और कमी को पूरा करेंगे। जो लोग विश्वास करते हैं और अपने अपने मन की बातों को आप तक पहुँचाते हैं बेटा, वो अपनी हर एक मन की बातों को आप तक पहुंचाते हैं, उनकी जीवन की हर एक प्रकार की समस्याएं को देख पिता परमेश्वर, इस समय हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारे संसार में बहुत ज्यादा दुख है, तकलीफ है, मुसीबत है, दिक्कतें हैं, प्रॉब्लम है, आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी है, उनके हालात ऐसे हो चुके हैं कि अपने घर के परिवार को पालन पोषण नहीं कर पा रहे। लेकिन खुदावंद आपने वादा किया है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। यदि आज हम विश्वास के द्वारा अपने मन की बातों को परमेश्वर तक पहुंचाते हैं तो परमेश्वर हमारी हर प्रकार की समस्याओं को देखेगा यीशु नासरी के नाम से। इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं जितने लोग भी विश्वास के साथ, उनके हृदय में विश्वास होना चाहिए। हर प्रकार के नकारात्मक विचार और हर प्रकार के शक आपके अंदर के जो नेगेटिव थॉट्स हैं, जो सकारात्मक विचार की ओर आपका मन नहीं जाता, आपको पॉजिटिव सोचना होगा। आपकी जो थिंकिंग है, आपकी जो ओवर थिंकिंग है, जो आप सोचते हैं आप नकारात्मक की ओर आप जाते हैं, आपके अंदर जो भी नकारात्मक विचार हैं किसी भी लेकर के, मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं चिंता में हूँ, मैं दुख में हूँ, मेरा जॉब नहीं लगता, मेरे बिजनेस में घाटा हो जाता, मेरी हर प्रकार की प्रॉब्लम आपके साथ हो सकती है, लेकिन आपको बड़े हिम्मत के साथ, बड़े हिवाव के साथ इस समय प्रार्थना को ग्रहण करते वक्त आप परमेश्वर को धन्यवाद करिए उस खुदावंद को जिसने संसार और पृथ्वी की रचना की, जिसने उसने मनुष्यों को बनाया और जिसने मनुष्यों को बनाया है और इस पृथ्वी और संसार की उसने रचना की। यदि आज आप बीमार हैं तो अपने बीमारों पर हाथ रखें और तमाम प्रकार के आप जो क्लेश झेल रहे हैं आज उन्हें परमेश्वर छोड़ के आपकी जिंदगी से वो हर प्रकार की समस्याओं को वो छुड़ाने जा रहा है। आपकी हर प्रकार की बुरी आत्मा, हर प्रकार की गंदी आत्मा, हर प्रकार की नेगेटिव सोच, नकारात्मक सोच जो भी आपके अंदर से वो जाने वाली सुनासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से। खुदावन आज इनके घर में बरकत दे, जिस समय रोते हैं, जिनके आंसू बहते हैं पिता परमेश्वर, जो आपसे दुआ करते हैं, आपसे विनती करते हैं, खुदावन यीशु नासरी के नाम से वो हर एक घटी और कमी को आप मुहैया कराने वाले, हर एक चीज को पूरा करने वाले खुदा आप, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जितने भी मसीह भाई बहन प्रार्थना को सुन रहे हैं उनके हृदय में विश्वास को बोइए, हर प्रकार के नकारात्मक विचार और सबको दूर कीजिए, तमाम प्रकार के क्लेश दुख मुसीबत उन्हें छोड़ के चले जाए। पवित्र आत्मा आपके द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को जला दीजिए यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार के शत्रु और वो चतुर जो शैतान है जो आपके जीवन में घात लगा करके बैठा है, आज वो आपके जीवन में पीड़ित, आपको दुखित करता, आपको चिंतित करता, आपको परेशान करता, आपके बिजनेस में लॉस होता, आपके घर में, परिवार में, आपकी हर प्रकार की प्रॉब्लम से, आर्थिक स्थिति आपकी बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी है, क्योंकि परमेश्वर कहता है जितने लोग इस समय पीड़ित हैं, जितने लोग चिंतित हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यीशु ने जब अनेक रोगियों को चंगा किया, अनेकों रोगियों को उसने लकवे के रोगी को, मुर्दों को जीवित किया, परमेश्वर ने लकवे के अंधों को ठीक किया, रोशनी दिन के जीवन में प्रकाश दिया, तो क्या आज आपके जीवन में परमेश्वर प्रकाश नहीं देगा? देगा। इस प्रार्थना को आपको सुनना है, केवल सुनना है और अपनी मन की बातों को परमेश्वर तक पहुंचाना है। यदि आज आप विश्वास रखते हैं, हिम्मत रखते हैं, तो आपके जीवन की हर एक प्रकार की जो निर्बलताएं हैं, जो आप कमजोर हो चुके, चाहे वो किसी भी प्रकार की शैतानी ताकत की वजह से, तमाम प्रकार की बीमारियां, चाहे वो किसी प्रकार के अंधकार की शक्ति आपके जीवन में, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके माता पिता भाई बहन के जीवन में क्यों ना हो, आपकी बिजनेस, आपके जॉब नहीं लगता, तो परमेश्वर आपको आज चार्ज करने जा रहा है। वो हर प्रकार के रोगाणु विषाणु और निर्बलताओं से आपको दूर करने जा रहा है। तमाम प्रकार की जो आपके अंदर बीमारियां हैं, जो निर्बलताएं आपके घर में हैं, आपके परिवार में, आपके सदस्यों में हैं, वो हर प्रकार की चिंताएं आपकी दूर होने वाली यीशु नासरी के नाम से। ज्योति उन पर चमके, तमाम प्रकार के अशुद्ध और असाध रोग, तमाम प्रकार के अंतकारी रोग, पवित्र आत्मा आपके द्वारा सिर से लेकर के पैर तक झुलसा दीजिए यीशु मसीह के नाम से, झुलसा दीजिए, जला दीजिए यीशु मसीह के नाम से। जितने लोग इस समय प्रार्थना को सुन रहे हैं उनके तमाम प्रकार की महामारियां और महामारियां जो भी उनके जीवन में सही थे, तमाम प्रकार की, उन्हें तमाम प्रकार की सर्दी, जुकाम, बुखार, उनके हर प्रकार की पीड़ित और दर्द भरे अंगों को यीशु मसीह के नाम से खुदावंद हम आज्ञा देते हैं किसी वक्त दूर हो यीशु मसीह के नाम से, दूर यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि आज खुदावंद आज
आपको अभिषेक करने जा रहा है पवित्र आत्मा के द्वारा। आज आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है। हर प्रकार के बंद दरवाजे आपके लिए खुलने जा रहे हैं। हर प्रकार के मार्ग जो आपके बंद पड़े हैं, हर प्रकार की चिंताएं आपके जीवन में, हर प्रकार के क्लेश, हर प्रकार की संकट, आपको परमेश्वर नया मार्ग देने जा रहा है, एक उत्तम मार्ग देने जा रहा है जिसमें आप फलवंत हो सके, फल को ला सके, क्योंकि परमेश्वर आपको ढेरों बरकत और ढेरों आशीषें देने जा रहा है। यीशु नासरी के नाम से तमाम प्रकार के सर्दी जुकाम बुखार से लेकर के, चाहे वो छोटी बीमारी हो बड़ी बीमारी हो, तमाम प्रकार के कैंसर, पेट के कैंसर, जिगर कैंसर, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम से आज हर प्रकार के रोगाणु विषाणु से उनको आप सुरक्षित रखने वाले हैं यीशु नासरी के नाम से। उनके तमाम प्रकार के कैंसर, पेट के कैंसर, हृदय में जो भी किसी प्रकार की स्किन प्रॉब्लम है, पथरी है, खून की कमी है, सूजन है, खांसी है, पीलिया है, गांठ है, कब्ज है, सीत है, पिंपल्स है, स्किन प्रॉब्लम है, दमा मुहासा, अनेक प्रकार की जो भी संसार में बीमारियां हैं, सभी को लेकर के यीशु नासरी के नाम से हम खुदावन आज्ञा देते हैं कि यीशु नासरी के नाम से जितने लोग हिम्मत रखते हैं, जितने लोग विश्वास करते हैं, आज उनकी जिंदगी से हर प्रकार की बीमारियां जाने वाली हैं। हर प्रकार की शैतानी आज आपके ताकत की जो भी आपके जीवन में आती है, जो आपको वीक करती है, आपको कमजोर करती है, आपको घबराहट और उलझन आपके जीवन में लाती है, आपका ब्लड प्रेशर हाई लो होता है, परमेश्वर उसको ठीक करने जा रहा है। हर प्रकार की मधुमेह सिर से लेकर के पैर तक, टीबी, नींद ना आना, आपको अनेक प्रकार की समस्याएं आपके जीवन में जो भी है, आज वो सब खुदावंद यीशु नासरी के नाम से, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आज आपकी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला है। यदि आज आप इस विश्वास करते हैं, बड़ी हिम्मत के साथ, बड़े विश्वास के साथ, आपकी हर एक प्रकार की प्रॉब्लम, हर प्रकार के जो हृदय रोग है, फिजिकली और मेंटली आप बहुत ज्यादा टॉर्चर हो चुके हैं, बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, फिजिकली आप वीक हो चुके हैं, परमेश्वर ने कहा है यदि तू फिजिकली भी वीक हो चुका है तो परमेश्वर आपको मजबूत करने जा रहा है, आपको स्ट्रॉन्ग करने जा रहा है, क्योंकि खुदावंद आज आपको संभाल लेगा। यदि आज आप विश्वास रखते हैं, हिम्मत रखते हैं उस खुदावंद पर जिसने संसार और पृथ्वी की रचना की, आज आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। चाहे आपके जीवन में मानसिक रोग हो, अनेक प्रकार की आपके जीवन में उलझन है, घबराहट है, अपने बच्चों की लाइफ को लेकर के, अपने घर को लेकर के, अपने हर प्रकार की प्रॉब्लम को लेकर उलझन उलझन और घबराहट आपके जीवन में आ ही गई है और आप बहुत चिंतित हैं, बहुत परेशान हैं, लेकिन परमेश्वर आपको एक उत्तम मार्ग देने जा रहा है, एक नया मार्ग देने जा रहा है ताकि उसमें आप चल सकें, क्योंकि परमेश्वर आपको ढेरों भरकर और ढेरों आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। तमाम प्रकार के आज आपके दर्द दूर हो जाएंगे यीशु नासरी के नाम से। यदि आप विश्वास रखते हैं, हर प्रकार के शत्रु और दुष्ट आत्मा, तमाम प्रकार की चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, खुदावंद यीशु नासरी के नाम से आपके परमेश्वर वचन के माध्यम से हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि खुदावंद जो आपका पवित्र वचन है पिता यीशु नासरी के नाम से, जो उसमें लिखा है, आपने कहा है कि पितावंद खुदावंद यीशु नासरी के नाम से हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि पिता परमेश्वर मेरे भेड़े किस तरीके से भटक गए हैं, लेकिन आज आपकी जो भी भेड़े हैं पिता, आप उनको चरवाहा हैं, आप उनके चरवाहा हैं, आज वो आपके बेटे और बेटियां हैं यीशु नासरी के नाम से। आज खुदावंद वो आपके चरणों पे आपके सामने घुटने को टेक करके, आपके सामने हाथों को फैला करके मांगते हैं, जो भी इनकी जिंदगी में घटी और कमी है उसको आप पूरा करने वाले यहोवा परमेश्वर हैं, हर एक चीज को मुहैया कराने वाले खुदा आप हैं। जितने भी मसीह भाई बहन की गवाहियां आती इनके जीवन में, उनको ढेरों बरकत और ढेरों आशीष दी यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आपके लिए चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, घर के लिए प्रार्थना करते हैं, नौकरी के लिए प्रार्थना करते हैं, परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, कर्ज से आप दबे हुए हैं, दुख में, मुसीबत में, तकलीफ में, मुसीबत में, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम, शादी के लिए अनेक प्रकार की चिंताएं, टेंशन, आज आपको चिंतित नहीं होना है। यदि आज आप इस संसार पर भरोसा रखते हैं तो परमेश्वर खुदावंद कहता है, तू मुझ पर यकीन नहीं करता, तू मुझ पर भरोसा नहीं रखता, तू मुझ पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि वो खुदा आज आपकी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला है, वो हर एक प्रकार की मुहैया कराने वाला है, वो हर एक चीज को आपको आजाद करने वाला खुदा है। चाहे आप किसी भी कोर्ट कचहरी से टहल रहे हैं, आपका केस चल रहा है, यीशु नासरी के नाम से वो खत्म होने वाला है। यदि आप बहुत चिंतित हैं, बहुत परेशान हो चुके हैं, तो परमेश्वर आज आपका जीवन एक नया करने जा रहा है, एक आपको उत्तम मार्ग देने जा रहा है, एक नया रास्ता आपको जीवन देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज आपको चिंतित नहीं होना है, आज आपको परेशान नहीं होना है, परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में कार्य करेगा। यदि आज हम विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं, तो हमारी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने वाला खुदा आज वह हमारे साथ है। यदि हमारा विश्वास दृढ़ निश्चय है और हम बड़ी हिम्मत के साथ, अगर आपका दिल कच्चा नहीं है, अगर आप विश्वास रखते हैं और बड़ी हिम्मत के साथ यदि परमेश्वर के वचन को आप ग्रहण करते हैं और प्रार्थना को ग्रहण करते हैं, तो आपके जीवन की सारी दुख, सारी चिंताएँ, सारी मुसीबतें आपके जीवन
से जाने वाली सुनासरी के नाम से, क्योंकि वो खुदावंद वो परमेश्वर ने आपसे वादा किया है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। यदि आज आपने विश्वास से संपूर्ण मन से आपने परमेश्वर से प्रार्थना करके मांगा है तो परमेश्वर आपको ढेरों बरकत और ढेरों आशीष देने जा रहा है। इसीलिए बड़ी हिम्मत के साथ बड़ी जब परमेश्वर मुर्दों को जिला सकता है, अंधों को ठीक कर सकता है, लकवे के रोगियों को ठीक कर सकता है, अनेक प्रकार की बीमारियों को ठीक कर सकता है, तो क्या आज आपकी जिंदगी की प्रॉब्लम्स नहीं जाएंगी? जाएंगी कब? जब हम विश्वास रखेंगे, भरोसा रखेंगे। इसीलिए आपने इस प्रार्थना को ग्रहण किया, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ हर एक मसीह भाई बहन के लिए। इसीलिए इस वीडियो को जाते जाते आप ज्यादा से ज्यादा हो सके, जितना हो सके आप इसे शेयर कर दें, ताकि और लोग प्रार्थना कर सके, और लोग परमेश्वर के वचन में जुड़ सके, और लोग आशीष को पा सके। इसीलिए आप सभी लोगों से निवेदन करता हूँ कि इस वीडियो को ज्यादा से शेयर कर दें, और सभी लोग लाइक करिएगा, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, ताकि हम उसको समझ सके और आपके लिए प्रार्थना कर सके, आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बिजनेस के लिए, आपके जॉब के लिए। यदि आज आप डोनेशन को भेजना चाहते हैं तो दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप भेज सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा है आप भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको ढेरों बरकत और ढेरों आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।